फिलहाल आप जो है दावेदारी कर रहे हैं, टिकट की मांग किए हैं, आपको टिकट मिलेगी इंशाल्लाह। मेरा टिकट हो गया, कंफर्म हो गया इंशाल्लाह। नहीं, आप हमेशा जो है जमीन का जो है बिक्री करते हैं, खरीदी करते हैं और जो है जमीन कब्जा भी करते हैं। नहीं बाबा, आज तक बता दो रिकॉर्ड कहीं मेरा कि कोई किसी का जमीन कब्जा कर लिया या किसका घर कब्जा कर लिया। मुमरा में चर्चा है कि गुंजन सेठ ने जो है 2 एकड़ जमीन का सौदा किया है, 2 एकड़ जमीन जो है टिकट को लेकर सौदा किया है और उनको टिकट दिया जा रहा है, इसमें क्या है पूरी सच्चाई? क्या सौदा मैं आज तक किसी से नहीं किया। क्या यही सारे मुद्दे हैं और उसके बाद और मुद्दा नहीं आपको दिखाई देता है? पानी, लाइट, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं सरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आमने सामने में एक और चेहरा जो MIM के हमारे साथ मौजूद है, मुमरा कौसा सील डायघर के सभी लोग जानते हैं। पहली बार MIM से गुंजन सेठ की बहू चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई, लेकिन हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो गुंजन सेठ हैं, अब चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। कल वह मुमरा से आमदार की टिकट की मांग कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है इन्हें टिकट मिल सकती है। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उनके जमीनी विवादों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गुंजन सेठ, सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो है जमीनों को लेकर हमेशा विवादों में जो है घिरे हुए रहते हैं, ऐसे में MIM पार्टी आपको टिकट कैसे दे रही है? पहला तो मैं बता दूं कि आप बुलाए स्टेडियम में आप लोग, उसका तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कोई विवादी मसला जमीन का है ही नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। ये जो लोग बोलते रहते वो गलत है, सब गलत है, क्योंकि इनको मालूम है कि जितनी जमीन है सब हम लोग स्त्री वाली जमीन लिया हूँ और मेरी क्लियर जमीन है, 7-12 सब उसका क्लियर है। विवादित है किधर मेरा? नहीं, आप हमेशा जो है जमीन का जो है बिक्री करते हैं, खरीदी करते हैं और जो है जमीन कब्जा भी करते हैं। नहीं बाबा, आज तक बता दो रिकॉर्ड कहीं मेरा कि कोई किसी का जमीन कब्जा कर लिया या किसका घर कब्जा कर लिया, ये बतावे ना कोई मेरे को, इसका सबूत करे। हम इसका सबूत देता हूँ ना कि मेरे पास जो है सब लीगल का प्रॉपर्टी है, हमने किसी की जमीन और किसी के उस पर काम किया ही नहीं हूँ और किसका लिया नहीं हूँ, और ना मैं किसी गरीब दुखिया को आज तक मैं सताया ना दुखाया, ना किसी गरीब के उसमें मजलूम के साथ में हम कोई जबरदस्ती किया। आपको MIM से टिकट मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब उसमें इतनी सच्चाई है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन मजीसी साहब बोले थे और अकबर साहब बोले थे कि गुंजन सेठ को टिकट दिया जाएगा, मुमरा के ही कैंडिडेट बना के इनको टिकट लड़ाया जाएगा। तब मुमरा में चर्चा है कि गुंजन सेठ ने जो है 2 एकड़ जमीन का सौदा किया है, 2 एकड़ जमीन जो है टिकट को लेकर सौदा किया है और उनको टिकट दिया जा रहा है, इसमें क्या है पूरी सच्चाई? क्या है? मैं आज तक किसी से नहीं किया, जब भी पहला कारपोरेशन था तभी लड़ा, तभी कोई सौदा नहीं था, ना पार्टी मेरे से कोई सौदा की, ना पार्टी मेरे से कोई पैसा मांगी। यही थी कि पार्टी का कहना था कि भाई मेहनत करके आप लड़ो, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो बोल रहे हैं कि पार्टी से सौदा किए, सब गलत बात है। मेरे पास जमीन है, मैं कौम के लिए उसको वक्फ करूंगा कि इंशाल्लाह मैं जीता तो 2 एकड़ जमीन मैं वक्फ करूंगा, ये इसमें हमारे कौम के मदद से स्कूल कॉलेज बनेंगे। मतलब 2 एकड़ का सौदा आपने नहीं किया? नहीं, सौदा टिकट नहीं को लेकर 2 एकड़ का सौदा नहीं किया है आपका? कोई लेने देने नहीं हो, टिकट अलग है। ये तो हम कौम के लिए अपना कर रहा हूँ ना भाई। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन जो है उन्होंने दिया है फिर उन्हें टिकट मिला है, यानी आपको टिकट मिला है? नहीं नहीं, ऐसी सब ये गलत अफवाह है, ये हमारी पार्टी को ये सब बदनाम कर रहे हैं, ये अपोजिट वाले जो है और जो विपक्ष के लोग है ये कैसा भी करके माहौल खराब कर रहे हैं। हमारी पार्टी कोई सौदा नहीं करती, हमारी पार्टी पहले बोल दी है कि हम ना पैसा लेते हैं ना पैसा देते हैं, मेहनत से लड़ो और ईमानदारी से रहो, हम तुम्हारे साथ में। तो ये जो 2 एकड़ की बात है ये किसको दे रहे हैं आप दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? हम ये वक्फ करेंगे कौम के नाम के वक्फ करेंगे। मतलब ये आपने मतलब चर्चा किया था देने? हाँ, चर्चा मैं किया हूँ कि मैं जमीन दूंगा, मैं जीता तो इंशाल्लाह मैं अपनी खुशी में मैं दूंगा, वक्फ करूंगा कौम के लिए उसमें निस्बत में। मुमरा भी ये चर्चा है अगर आपको टिकट मिलेगी तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, यानी MIM पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो MIM पार्टी को छोड़ देंगे। MIM में कोई ऐसे लोग जो है कोई ऐसे लोग नहीं है कि मेरे टिकट पाने से वो छोड़ देंगे, वो सब मेरे नजदीक आ जाएंगे, सब मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, हमें भरोसा है कि ये मेरे साथ में रहेंगे। जाएंगे कौन? जो अपने लोग नहीं है, विपक्ष के लोग है आके घुस के बैठे वो जाएंगे, वो MIM के लोग कोई नहीं जाएगा। MIM के जो लोग हैं वो सच्चे लोग हैं, मेरे साथ में। गुंजन सेठ, MIM पार्टी जो आपको टिकट दे रही है ये आपकी दबंगगिरी को देखकर दे रही है
या फिर जो है आपने काम किया है उस बेस पर आपको टिकट दे रही है। हम पूरा रिकॉर्ड, मेरे पास में सब रिकॉर्ड है, जबान में नहीं है, हवा में नहीं है, हमने जो काम किया है दोनों आमदार के बीच में, वो इंशाल्लाह देखो चल के और लोगों से पूछो, वो लोगों के बीच में चर्चा है कि काम करना चाहिए गुंजन सिर की जैसा करना चाहिए। हमारे लोगों के बीच में जाके देखो, गली नाला गटर रोड कोई चीज़ हम छोड़ा नहीं, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी थी हम करके बताया। ये आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में सुभाष भोईर का इलाका आता है जी, और अक्सर आप जो है सुभाष भोईर के इलाके में ही देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदरूनी शिवसेना से यानी सुभाष भोईर से आपका साठ गांठ तो नहीं है? बाबा मेरा साठ गांठ किससे नहीं है और ना मैं किससे कोई ताल्लुक रखता हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को मिलने के लिए, हमारा भारत गेट से लेकर यहाँ क्या नाम है कल्याण रोड से लेके सिलपाटा लेके ये अलमास कॉलोनी तक ही अपना वार्ड लगता है, ये जहाँ हमारे लोगों की जरूरत रहती है हम वहाँ खड़े रहते हैं। हमारा फोटो है, सब चीज़ है, हम काम है, हमारा काम देखो ना सब कि कहाँ कहाँ हम काम किए, हम सिलपाटा काम किए, अचार गली काम किए, मुनीर कंपाउंड में काम किए, तो हम तो दिखेंगे ही ना इंशाल्लाह जहाँ रहेंगे वहाँ। आपके जो है बहू जो नगर सेविका बनी है उनका कार्यकाल 3 साल गुजर चुका है जी, तो आपने ऐसे में क्या विकास किया है अपने वार्डों में? अपने वार्ड में जितना काम कभी 20 साल में नहीं हुआ था, पानी का कनेक्शन, गटर, बड़े बड़े नाले जो थे जो सब बस्त पड़े थे सबको मैंने क्लियर करके, रोड का काम क्लियर करके, आप सर्वे कर लो, करा लो किसी से कि देखो मैं कितना काम किया, कितना विकास का काम। क्या मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं? हम मुद्दा विकास का लेकर चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह अगर जीते कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल ये सब मेरा पहला प्रयास रहेगा इंशाल्लाह। विधायक जितेंद्र हवार तो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे विकास किए हैं, अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। अब विकास है तो पब्लिक को दिख ही रहा है, जनता को दिख ही रहा है क्या विकास है क्या नहीं है। इसके पहले आप जो है एनसीपी में थे, कई साल एनसीपी में आपका कार्यकाल गुजरा, उसके बाद अचानक आप एमआईएम में जो है शामिल हो गए और वहाँ आपकी बहू नगर सेवक भी बन गई, और उसके बाद मतलब ये क्यों पार्टी को जो अदला बदली करने का मामला क्यों हुआ? क्या एनसीपी ये जो मौका आपको एमआईएम ने दी है एनसीपी नहीं देती थी? हम जहाँ रहते ईमानदारी से रहते, हम जहाँ थे 10 साल 5 साल 15 साल हम ईमानदारी से रहे, जब इनका साथ छोड़ दिए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आ गए, उनके अखलाक पे, उनके व्यवहार पे, उनके जो कारनामे उनके अच्छे हैं उसकी वजह से हम आ गए भाई में। आप कह रहे हैं जो है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ साथ में रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ में। तो एनसीपी के साथ आप ईमानदारी किए, तो यानी एनसीपी आपके साथ गद्दारी की? नहीं, हमारे साथ में अखलाक व्यवहार अच्छा किया, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, हम किससे आज तक 10 रुपया किसका चाय नहीं पी सकता, पिया हूँ साबित कर दूंगा मैं। मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, मुमरा की जनता को किस तरह से जो है विकास का जो मुद्दा है वो पूरा करेंगे? मुमरा का तो पहला विकास मैं हॉस्पिटल लाऊंगा। हॉस्पिटल तो एक बन रहा है। अरे क्या बन रहा है, आज 5 साल से बन रहा है, कितना बन गया बताओ मेरे से, कोई विकास हुआ? कोई हॉस्पिटल बना, कोई कॉलेज बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कोई अपने क्या नाम है मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए अच्छा कोई हॉस्पिटल कॉलेज बना के दिया इन्होंने? उन्होंने तो मतलब बहुत सारे गिनाए हैं बाबा, क्या बना के दिया? अभी कब्रिस्तान का मुद्दा चल ही रहा है, स्कूल का मुद्दा चल ही रहा है, हॉस्पिटल का मुद्दा चल ही रहा है, अभी कुछ भी हो जाता कल वो हॉस्पिटल लेके जाओ, अभी देखो अभी भी कुछ हुआ है हादसा इसमें क्या नाम है ये मुमरा में, अब कहीं नहीं हॉस्पिटल है तो वहाँ कलवा लेके जा रहे, जब तक तो आदमी रस्ते में मर जाता ना। क्या यही सारे मुद्दे हैं और उसके बाद और मुद्दा नहीं आपको दिखाई देता है? पानी, लाइट, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये मेन मुद्दा है, ये मुद्दा हो गया तो मुमरा का आधा समस्या हल हो गया। तो आप कह रहे थे कि जो है मैं जब से 3 साल का कार्यकाल गुजरा है नगर सेवक का और उसमें जो है हमने बहुत सारे विकास किए, तो आपके एरिया में पानी की समस्या आपने हल किया क्या? हमने पानी का समस्या जहाँ 20 साल से पानी नहीं जाता था, चन्नी पाड़ा हुआ, रसीद कंपाउंड हुआ, श्रीलंका हुआ, भोलेनाथ नगर हुआ, वो क्या नाम है यहाँ सिलफाटा हुआ, सिवली नगर हुआ, आप कहीं भी सर्वे करा लो, पानी की समस्या, रोड की समस्या, गटर की समस्या सब मैंने माशाल्लाह हल कर दिया। कि काम तो दूसरा कोई कर रहा है? नहीं बाबा, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, फाइल है ना मेरे पास में, सब रिकॉर्ड है मेरे पास, मेरा रिकॉर्ड लो ना, जवान से नहीं रिकॉर्ड लो ना मेरा। 4 का पैनल है और ऐसे में जो है आप अकेले दावा कर रहे हैं? 4 का पैनल है, सब अपने अपने पैनल से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि अगर आपको आमदारी का टिकट नहीं मिला
तो फिर आप क्या मतलब किसी दूसरे पार्टी में छलांग लगाएंगे? नहीं बाबा नहीं, टिकट हमारी पार्टी हमको भरोसा है कि हमको दी, हमारा कंफर्म भी कर दिया लगभग इंशाल्लाह, और हम टिकट मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हम अपने माइम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में हूँ और इंशाल्लाह उधर हमेशा रहूँगा मैं। अभी खासदार का चुनाव गया है, उसमें वंचित बहुजन का जो पार्टी है और आपके MIM पार्टी, दोनों में गठबंधन था, आपके घर के जो है चुनाव में खड़े थे, अपक्ष से उम्मीदवारी किए थे, क्यों किए थे? आप कह रहे हैं कि जो है हम जिस जगह पर भी हैं, जिस पार्टी में हैं, वो ईमानदारी के साथ है, तो ऐसा मतलब क्यों हुआ कि आपके ही घर के लोग जो है अपक्ष से खड़े हो गए? अगर पार्टी के जिम्मेदार नहीं होते और भरोसे वाले नहीं होते तो उनको बिठाते नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर आप भी तो दिखे थे फॉर्म भरने, उसमें आपका भी फोटो आया था। मैं नहीं गया था, तस्वीर आपकी भी सामने आई। मैं नहीं गया था बाबा, मैं नहीं गया था। मैं तो जो हमारा आदेश हुआ हैदराबाद से कि नहीं हमारे समर्थन में जो पार्टी खड़ा वंचित बहुजन का, उनका समर्थन करो। MIM में कोई पोस्ट पे नहीं है वो, हमारे साथ में हमारा भाई है। हाँ। हमारे साथ में जहाँ रहता हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे रहता हूँ। फिलहाल आप जो है दावेदारी कर रहे हैं, टिकट की मांग किए हैं, आपको टिकट मिलेगी इंशाल्लाह? मेरा टिकट हो गया, कंफर्म हो गया इंशाल्लाह, शाम तक कल तक आपको बता देंगे कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया, हम लड़ने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं है, 9 दावेदार है, 9 दावेदार हमारे साथ में है। सबने हमको सलवा होटल में हम सबकी मीटिंग लिया था, हम लोग सब वादा किया है कि हमारे किसी भी भाई को टिकट मिला तो हम सब मिलकर उसके साथ में। पिछले 10 सालों से जितेंद्र रावत विधायक रहे हैं और उनका कार्यकाल अब जाके गुजरा है, यानी अब फिर वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में कितना आपके लिए आसान होगा? उनसे निपटना बहुत आसान है क्योंकि लोग मेरे साथ में हैं। अगले टाइम भी इलेक्शन में कहा था कि इंशाल्लाह सब हमारे साथ में है और हम जीत हासिल करके बताया था, वैसे इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हम ये विधायक भी जीत के बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ गुंजन सेठ, जो अपनी राय दे रहे थे और MIM से आमदार के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि 90% उम्मीद है कि गुंजन सेठ को ही टिकट मिलेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।